गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग हम कहाँ स्टे कर सकते हैं उसके ऊपर है, और शिमला में बहुत ही सस्ते में ही हम एक पर्सनल रूम के साथ यदि हमें स्टे करने का मौका मिल जाए तो और उससे बेहतर क्या हो सकता है। क्योंकि यदि आप कहीं भी जाते हैं तो आपका रहने का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इशू हो जाता है। और यदि शिमला में आते हैं तो 1000-2000 के रूम आपको कम से कम रेंज के जो है वो मिलते हैं और उसके ऊपर ही मिलते हैं। लेकिन उसी में यदि हम 200 रुपये में ठहर सकते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको जानकारी मिलेगी और लोकेशन भी मिलेगी और कहाँ है क्या है पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये शिमला बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड, और इधर से हम निकलते हैं। तो ये सामने आप ऊपर देखें, ऊपर ओवर ब्रिज बना हुआ है पैदल क्रॉसिंग का, उधर हमें चलना है। ओवर ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये मार्केट जैसा होटल से आते हैं यहाँ पर, और आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये पंचायत भवन की बिल्डिंग आ जाती है, और ऊपर आप देखेंगे लाल कलर में तो राम मंदिर भी है। उससे और आगे चलते हैं हम, ये पंचायत भवन से हम आगे आते हैं। तो ये सामने बसें खड़ी हैं, ये लोकल बस स्टैंड है, और ये लोकल बस स्टैंड से ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बुटेल धर्मशाला। ये पूरा बिल्डिंग आप देखें, ऊपर तक पूरा बिल्डिंग है, इसमें हमें चलना है। और यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ से इसकी एंट्री है, ये सीढ़ियाँ लगी हुई है। आइए अंदर चलते हैं। बस स्टैंड के सामने आपको गुरुद्वारा भी दिख जाता है, ये गुरुद्वारा है बस स्टैंड के सामने। ये सीढ़ियाँ हैं, इससे हमें ऊपर चलना है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, थोड़ा ध्यान से हमें चलना पड़ेगा। ये यहाँ की रेट लिस्ट दिख रही है, 200 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, और ये यहाँ पर इनके बारे में दे रखा है। चेकआउट का टाइम है 10 बजे का, यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए अंदर। यहाँ पर ये बड़े कमरे हैं, बड़े कमरे मतलब डबल डबल बेड के 2-3 सेट लगे हुए, जिनमें पूरी फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ हम रुक सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर ये टॉयलेट वगैरह है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये यहाँ पर पीने का पानी का जो है लगा हुआ है फिल्टर के साथ, ठंडे पानी का। और यहाँ से हम सेकेंड फ्लोर पर भी जा सकते हैं। ये यहाँ पर सब टॉयलेट वगैरह है। आइए और ऊपर चलते हैं। ऊपर न्यू ब्लॉक बना है, अभी ये बंद है, तो ये भी चालू हो जाएगा। और ये सेकंड फ्लोर आ गया, यहाँ पे भी ये बाथरूम जेंट्स के और लेडीज़ के अलग अलग हैं। ये यहाँ पर कमरे हैं, ये 29 है। ये कमरा जहाँ पे मैं रुका था, सिंगल बेड है, एक कुर्सी है साथ में, ये मेरा सामान बिखरा हुआ है, रजाई है, और ये हैंगर है, मेरे कपड़े मैंने सुखा दिए थे गीले थे, और ये एक लाइट है, ये खिड़की और दरवाज़ा। इस तरह से ये शानदार रूम हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और आपको आइडिया भी हुआ कि हम कहाँ ठहर सकते हैं और सस्ते में ठहर सकते हैं। तो यदि आप शिमला आते हैं तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। इसके आजू बाजू में भी और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये बेहतर लगा तो मैं यहाँ पर रुका एक रात के लिए। और अगले वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी देने वाला हूँ कि और आप कहाँ रुक सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।